नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास फिर से सैमसंग का गैलेक्सी S23 आ चुका है। दोस्तों आप पीछे देख लीजिए, ये है मेरे पास 2024 का ही मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वेरिएंट। नहीं दोस्तों, ये पुराना वाला फ़ोन नहीं है, ये मैंने फिर से ख़रीदा है। इसकी MRP दोस्तों वैसी ही है जैसे पहले थी, बट ये अभी आपको 60,000 के समथिंग देखने को मिल जाएगा। बट मैंने दोस्तों इसको थोड़ा महंगा ख़रीदा है, क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा था सैमसंग के स्टोर से। बट अभी आप इसको ऑनलाइन खरीदते हो तो ये आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि 2024 में क्या उनको सैमसंग का गैलेक्सी S23 ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं, और क्या उनको सैमसंग का गैलेक्सी S24 की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले आपको एक अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग दिखाता हूँ। वैसे तो आपने मेरी वीडियो पहले देखी होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले 2023 में इसकी अनबॉक्सिंग की थी। बट दोस्तों ये फ़ोन मैंने फिर से ख़रीदा है, क्योंकि ये 2024 में भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है और एक कॉम्पैक्ट फ़ोन है। जिनको छोटे फ़ोन चाहिए उनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। चलिए दोस्तों पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी पतला बॉक्स होता है ये, देखिए कोई चायर वगैरह नहीं होता। मेरे पास दोस्तों इसका है, ये देखिए क्रीम कलर, जिसमें है दोस्तों मेरे पास 8GB 256GB। मैंने 128GB वाला पहले भी नहीं लिया था, ना अब लिया है। दोस्तों 256GB में हमें स्टोरेज जो मिलती है वो काफ़ी फास्ट वाली मिलती है, इसलिए मैंने ये वाला वेरिएंट लिया। चलिए अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो जो कुछ एक बॉक्स है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको डाटा केबल मिलती है और दोस्तों एक सिम इजेक्शन पिन मिलती है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता। और कुछ पेपर वगैरह मिलते हैं जिनको हमारा कोई यूज नहीं है। चलिए साइड में रखता हूँ मैं। और ये है दोस्तों, इसके ऊपर एक रैपर सा लगा होता है ये, देखिए। ये मैंने इसकी पिन जो चिट लगी होती है दोस्तों, वो मैंने इसको हटा दी है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिपका दी। तो देखिए दोस्तों, ये एक पेपर होता है। तो आप पीछे ये देख सकते हो, मैंने इसको लेमिनेट कराया हुआ है, इसलिए दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है ये कटा हुआ है यहाँ से कैमरे के पास से, क्योंकि मैंने ये इसको यूज कर लिया है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड के लिए मैंने फिर से इसको वैसे ही पैक कर दिया था। अब आगे से दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर हमें एक रैपर लगा मिलता है, देखिए अब दिखाता हूँ आपको। दोस्तों काफ़ी प्यारा फ़ोन है अभी भी ये 2024 में, क्योंकि इसका दोस्तों जो सक्सेसर आया है सैमसंग की तरफ से S24, दोस्तों सिर्फ नाम का सक्सेसर है, रैंक में सक्सेसर है वो दोस्तों। जैसे दोस्तों 23 के या 24 आ चुका है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो वो इससे डाउनग्रेड है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है एक्जिनोस का। दोस्तों आप सभी को पता है कि सैमसंग के अंदर जो एक्जिनोस प्रोसेसर आते हैं वो काफ़ी हीट होते हैं, और जिसके द्वारा दोस्तों काफ़ी जल्दी जल्दी बैटरी हमारी ड्रेन होती है। अब इसकी जो बैटरी थी दोस्तों वो इस फ़ोन के साइज़ के हिसाब से काफ़ी बढ़िया बैटरी थी, बट अभी 2024 में दोस्तों ये फ़ोन आया है S24, उसकी बैटरी दोस्तों इतनी पावरफुल नहीं है, जबकि उसमें 4000 mAh की बैटरी है, इसके अंदर दोस्तों 3900 mAh की बैटरी है। फिर भी उसकी बैटरी इसके मुकाबले काफ़ी कम चलती है, क्योंकि दोस्तों उसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इतना अच्छा नहीं है अभी, और उसके अंदर आपको एक्जिनोस का प्रोसेसर मिलता है जो कि गर्मियों के टाइम में दोस्तों काफ़ी हीट करेगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी काफ़ी कम चलने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2, जो कि दोस्तों काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि हमें S23 Ultra में भी देखने को मिलता है। तो आपने देखा ही होगा इसका प्रोसेसर कितना पावरफुल है। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, इसको ख़रीदने की वजह आपको बताता हूँ, कि अगर आप S24 खरीदते हो तो वो दोस्तों आपको मिलेगा समथिंग 70,000 रुपये का ऑफलाइन मार्केट से। ऑनलाइन दोस्तों समथिंग 80,000 रुपये का है, क्योंकि उसमें उसका जो बेस वेरिएंट है वही 256GB से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको लेते हो तो दोस्तों जी आपको फ्लिपकार्ट पे अभी भी 60,000 के समथिंग मिल जाएगा ऑफर वगैरह लगा के। और अगर आप इसको ऑफलाइन खरीदते हो अपनी मार्केट से कहीं से भी, तब भी दोस्तों जी आपको 60 से 65 के बीच में मिल जाएगा 256GB वाले वेरियंट। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप सैमसंग का S सीरीज़ का कोई छोटा फ़ोन लेना चाहते हो देख रहे में,
काफ़ी प्यारा लगे, छोटा हो, आपके हाथों में आसानी से आ जाए, तो आप S24 की जगह S23 की तरफ जाइए, क्योंकि इसके कैमरे दोस्तों काफ़ी प्यारे हैं, अच्छे हैं। साइज भी दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा है, सेम सैमसंग के S24 जैसा ही है, हल्का सा उससे छोटा ही है। प्लस दोस्तों आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, अगर आपको एक एंड्रॉइड फ़ोन ही लेना है सैमसंग का, तो आप S24 की जगह S23 की तरफ जाइए, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको सारे फीचर वही मिलते हैं जो आपको S24 में मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पहले इसमें वो EI फीचर नहीं थे जो आपको S24 सीरीज में मिलते हैं, बट अपडेट के बाद दोस्तों वो सारी चीज़ें हमें इसमें भी देखने को मिल रही हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि दोस्तों ये फ्लिपकार्ट है, अब आप देख सकते हो ये कवर वगैरह है, कुछ भी है, तो आप यहाँ से भी दोस्तों वही सब कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो AI फीचर का सिस्टम जो आपको उसमें मिलते हैं। जैसे दोस्तों ये फ़ोन है, जैसे कि मेरे हाथ में एक कॉफ़ी मग है, अगर मैं इसके ऊपर वही करता हूँ सर्कल टू सर्च वाला, ये देखिए, तो वही सारे सिस्टम वर्क कर रहा है जो हमें S24 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों जब आपको सारे फीचर्स यहाँ मिल रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा पैसे पे करने की और इससे भी थोड़ी जो डाउनग्रेड चीज़ है उसे खरीदने की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप S24 की जगह S23 की तरफ जाएं, अगर आपको सैमसंग का एक छोटा डिवाइस चाहिए तो, नहीं तो अगर आपको कोई और फ़ोन चाहिए तो आप मेरे हिसाब से आईफोन 15 की तरफ जा सकते हो, वो भी दोस्तों काफ़ी प्यारा फ़ोन है, बट अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप S23 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी सक्सेसर फ़ोन है 2023 का, और ये 2024 में दोस्तों काफ़ी अपनी हाइप बना के रखेगा, क्योंकि तब उसकी प्राइस थोड़ी एक्स्ट्रा थी, बट अभी इसकी जो प्राइस है वो इसके हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस है, वो S24 से इसकी प्राइस समथिंग 10,000 रुपये या 15,000 रुपये के समथिंग कम है, तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है इस प्राइस के अंदर। तो दोस्तों अभी ये फ़ोन आपको 60,000 के अंदर मिल जाएगा, चाहे आप इसे ऑनलाइन खरीद लो, और वैसे मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप इसको लेना ही चाहते हो तो आप अपनी ऑफलाइन मार्केट से एक बार चेक कर लो, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आप थोड़ी बार्गेनिंग करके और अच्छी कीमत लगा सकते हो, और अपने हिसाब से दोस्तों कलर वगैरह चूज़ कर सकते हो हाथ में फ़ोन लेके कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन दोस्तों आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ख़रीदने के बाद ही पता लगेगा कि हमारा एक्चुअल में फ़ोन कैसा है, और ऑफलाइन में दोस्तों आप ख़रीदने से पहले ही पता लगा सकते हो। इसके दोस्तों फीचर्स वगैरह की ज़्यादा मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि वो आप सभी को पता ही है कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है, तो इसमें आपको मैं ज़्यादा टाइम ख़राब करने वाला नहीं है। और दोस्तों आपको मैं थोड़ा कंप्लेंट करके बताऊँगा S24 से, तो दोस्तों उसके कैमरे से थोड़े अलग हैं, मतलब नाम में दोस्तों अलग है, लेकिन क्वालिटी आप चेक करोगे तो, मेरे पास अभी S24 है तो नहीं है, बट मैंने दोस्तों एक्चुअल में दोस्तों कंप्रेस किया हुआ है स्टोर पे जाके, तो इसके कैमरे और इसके कैमरे दोस्तों कोई भी फ़र्क नहीं है, जब आप दोनों साइड में लेके कंपेयर करते हो तब आपको फ़र्क दिखेगा। तो दोस्तों ऐसा फ़र्क तो आप दो S23 ले लोगे और दोनों के कैमरे चेक करोगे उसमें भी देखने को मिल जाएगा, छोटा मोटा फ़र्क तो सेम मॉडल में देखने को मिल जाते हैं, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। और प्राइस में दोस्तों काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग भी दोस्तों सेम ही है, इसमें 3900 mAh की बैटरी है, S24 में 4000 mAh की है, 100 mAh का फ़र्क है बस, ज़्यादा फ़र्क है नहीं है, बट प्राइस काफ़ी आई है। इसमें आपको 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेंगे और उसमें आपको 7 साल के, तो दोस्तों कोई भी बंदा 3 से 4 साल तक फ़ोन चलाता नहीं है कोई भी, तो आप इस चक्कर में भी ना पड़े कि उसमें आपको ज़्यादा एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप एक फ़ोन ख़रीदने के बाद 7 साल तक उसको यूज ही करोगे। हर बंदा 2-3 साल तक फ़ोन यूज करता है, उसके बाद उसे सेल कर ही देता है, तो आप इस भी टेंशन में ना रहें कि उसमें ज़्यादा अपडेट मिल रहे हैं। दोस्तों जब तक उसमें अपडेट मिलते रहेंगे उससे पहले ही आप उसको सेल कर चुके होंगे और नया फ़ोन ले चुके होंगे। दोस्तों फ्रेम की बात करें तो उसमें जो राउंड कॉर्नर दिए गए हैं उसमें फ्लैट दिए गए हैं, तो जैसे ग्रिप बनती है दोस्तों उसमें ज़्यादा बनती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान बैक कवर लगा के ही फ़ोन को यूज़ करता है, तो बैक कवर के अंदर जो डिज़ाइन दी गई है ये साइड जो वाली इसमें राउंड है और S24 में कर्व है, सॉरी उसमें फ्लैट है, तो वो दोस्तों कवर की वजह से पूरी छिप जाती है, तो इसका कोई मैटर ही नहीं है। पीछे से दोस्तों सेम ही है, दोनों कैमरे दोस्तों दोनों में सेम ही दिए गए हैं। तो दोस्तों मेरा लास्ट में
कैलकुलेशन यही निकल के आता है कि यार आपको सैमसंग का ही डिवाइस चाहिए जो काफ़ी हैंडी फ़ोन हो, छोटा फ़ोन हो, और आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए, तो आप S23 ले सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी आपको अगर S24 अच्छा लगता है तो आप उसे ले सकते हो, बट उसमें दोस्तों आपको बैटरी लाइफ इससे काफ़ी कम देखने को मिलेगी। जितनी इसमें मिलती है इससे भी कम उसकी बैटरी लाइफ हो जाएगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी दोस्तों वो न्यू फ़ोन है और आप कुछ टाइम चलाओगे तो आपको उसकी बैटरी इसके बराबर मिलेगी। लेकिन उसको दोस्तों एक्जिनोस के अंदर बनाया गया है, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि जब गर्मियों में हीटिंग वगैरह आएगी उसमें तो कितना दिक्कत देगा वो फ़ोन बैटरी में भी और चार्जिंग टाइम में भी, क्योंकि एक्जिनोस के दोस्तों ये प्रोसेसर होते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं और काफ़ी हैंग भी करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी के दोस्तों जो चार्जिंग स्पीड है वो भी दोस्तों सेम ही दी गई है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको 45 वाट का चार्ज सपोर्ट कर जाएगा, उसमें भी दोस्तों आपको 25 वाट का ही चार्ज सपोर्ट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा की स्पीड ना उसमें है ना इसमें, तो दोनों में सेम दी गई है। दोनों में दोस्तों रैम सेम दी गई हैं और स्टोरेज भी सेम दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपको 12 GB रैम मिल जाए, उसमें भी आपको 8 GB रैम ही मिलती है, चाहे आप कोई सा भी वेरियंट खेल दो उसका, 256 GB स्टोरेज। तो दोस्तों सेम यही सेम कंडीशन है, कोई भी फ़र्क नहीं है, छोटे मोटे फ़र्क हैं, लेकिन प्राइस दोस्तों काफ़ी डिफरेंस दी गई है। मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर वो भी आपको 60,000 के अंदर मिलता है फिर भी दोस्तों आप इसी की तरफ जाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको जो मेन चीज़ है प्रोसेसर वो मिलता है इसमें, इसके अंदर तगड़ा वाला। तो दोस्तों आपके सारे कैलकुलेशन आप ख़त्म हो चुके होंगे। और एक चीज़ और है दोस्तों कि आपको इसका 128 GB वाला वेरिएंट नहीं खरीदना है, भले ही दोस्तों वो आपको इससे 2-4-5 हज़ार रुपये कम मिल जाए 256 GB वाले से, बट उसके अंदर जो स्टोरेज टाइप दी गई है वो दी गई है 3.2 की और इसके अंदर दी गई है दोस्तों 4.0 की, जो कि दोस्तों काफ़ी फास्ट है। तो आप 2-4-5 हज़ार चक्कर बना पड़े आप इसका 256 GB वाला वेरिएंट खरीदें, जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।